नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं फोटोशॉप और फोटोशॉप में इमेज मेनू को देख रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का यूज कैसे किया जाता है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो लाऊं उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। ब्लैक एंड व्हाइट का यूज मैं इस इमेज पे करके बताऊंगा। वैसे तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं फोटोशॉप में बहुत सारा ऑप्शन है किसी भी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करने में या ग्रे स्केल करने के लिए। उसमें से एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ब्लैक एंड व्हाइट है ऑप्शन है। वैसे तो देख, अगर आप इसको ग्रे स्केल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ग्रे स्केल कर सकते हैं। देखिए ग्रे स्केल बन गया, लेकिन क्या हुआ कि इसको आप फिर से कलर नहीं कर सकते हैं, ये पूरा ग्रे स्केल में बन गया। हम इसको पहले कंट्रोल जे कर लेते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पे ह्यूज एंड सेचुरेशन में भी अगर आप सेचुरेशन को कम करते हैं तो ये ग्रे इमेज बन जाता है। उसके बाद यहाँ से अगर इमेज मेनू में जाते हैं और यहाँ पे देखिए थ्रेशोल्ड करते हैं तो भी ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बन जाता है। इस पे इमेज पे नहीं, मैं इस इमेज पे इसको थ्रेशोल्ड को अप्लाई करके दिखाता हूँ। थ्रेशोल्ड को अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे भी इसको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज कर दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट सिंबल सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर से बना हुआ। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से कम ज़्यादा कुछ इस टाइप से। और उसके बाद यहाँ से और भी ऑप्शन है जहाँ से कि आप ग्रे स्केल कर सकते हैं। यहाँ पे डिजास्टर भी कर सकते हैं तो भी ये ग्रे स्केल बन जाता है, देखिए। लेकिन क्या होता है कि ये जो भी ऑप्शन है उसमें बहुत सारा हमारे पास जो है ग्रे स्केल करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलता, डायरेक्ट वो ग्रे स्केल बन जाता है। लेकिन अभी जो हम आपको बताएंगे ब्लैक एंड व्हाइट, जहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है कि किसी भी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो जो रेड कलर है उसको कितना परसेंट करेंगे, ग्रीन कलर है उसको हम कितना परसेंट ग्रे स्केल करना चाहते हैं, ब्लू कलर को कितना ग्रे परसेंटेज करना चाहते हैं, मेजेंटा को कितना परसेंटेज करना चाहते हैं। इसमें जो है सारा ऑप्शन दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि इस इमेज को टिंट इमेज कलर भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, हमने इस पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे कलर दिख रहा है कि आप रेड कलर को कितना परसेंटेज तक बढ़ाना चाहते हैं, येलो कलर को कितना परसेंट बढ़ाना चाहते हैं, ग्रीन कलर को कितना परसेंट बढ़ाना चाहते हैं, उसी तरीके से सियान कलर को कितना बढ़ाना चाहते हैं, ब्लू को कितना बढ़ाना चाहते हैं, मेजेंटा को कितना बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, अगर आप रेड को बढ़ाते हैं देखिए तो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, ये जो है ब्लैक कलर बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर था, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर है, इसी से ये क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा ये रेड कलर जो है बढ़ रहा है। और इसी तरह से येलो कलर भी देखिए, यहाँ पे येलो कलर जहां जहां भी येलो कलर होगा वो सारा जो है डार्क होना शुरू हो गया, देख लीजिए। और उसके बाद अगर कम करते हैं तो ये व्हाइट की ओर चला जाता है। और अब इसी तरह से ग्रीन कलर को भी हम आप परसेंटेज के तौर पे बढ़ा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है ग्रीन कलर था, जहां भी ग्रीन कलर था देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर था तो इसकी परसेंटेज यहाँ से बढ़ जा रहा है, देखिए। और उसी तरह से सियान भी अगर देखते हैं, देखिए जहां जहां भी सियान होगा, और ब्लू को देख सकते हैं आप, और इसी तरह से मेजेंटा कलर भी यहां से बढ़ जा रहा है। और इसमें सबसे जो जो अच्छी चीज है जो है टिंट इमेज, जो हमने ये ग्रे स्केल इमेज बनाए और उसको आप यहां से डायरेक्ट जो है टिंट कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
हम अगर इस पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए ये ऑटोमेटिक जो है ये कलर टिंट कलर में कन्वर्ट हो गया। और इसको आप यहाँ से ह्यूज को बढ़ा भी सकते हैं, जो भी कलर में करना चाहते हैं आप ह्यूज में चेंज कर सकते हैं, और इसके सेचुरेशन को भी घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए सेचुरेशन को भी हम घटा बढ़ा सकते हैं इसको। तो ये बहुत ही अच्छा कमांड दिया हुआ फोटोशॉप में, किसी भी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए या टिंट कलर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं किसी भी इमेज को टिंट कलर। आप देख सकते हैं ये इमेज हमारा जो है बिल्कुल टिंट कलर बन गया है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे जो है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को यूज कर सकते हैं। दोस्तों तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेके आऊं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।